मैक्सटन वाले मुद्दे पे भी आएंगे, पर पिछले 6 महीने से जो मैक्सटन कर रहा है वो तो आपको दिखा नहीं होगा। जितनी मोहब्बत है तुम्हें भाई एडी, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली, एक मिनट पूजा मैम, मोहब्बत वो पूजा मैम एक मिनट, क्या कर रहा अपना पॉजिटिव वाइब्स दे सकता था ना, पॉजिटिव वाइब्स तो वहां पे पॉजिटिविटी की बात है। मैं आपकी बात कंप्लीटली समझ गया, मैं कह रहा हूं कि आप एक बात बताओ, नहीं कर सकता था पर अपॉर्चुनिटी मुनावर को खेलने की तो बीजेपी पार्टी ने दी ना, फिर उसको खेलने की, ये क्या बात हुई यार। आप मैक्सटन पे चले गए, आपके पास आंसर नहीं है तो मैक्सटन पे चले गए। आपसे पूछा कि खेलने की अपॉर्चुनिटी किसने दी मुनावर को, वहां पे आया तो बीजेपी की वजह से। बॉस में नहीं गई थी, अरे यार ये ट्रेंड कर देते ना भाई, तुम लोग बनाओ ना ट्रेंड। अब भाई हम तो ट्रेंड, हम ट्रेंड कब करते, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो बाद में पता चला कि भाई ये बीजेपी वाला करा रहा है, पर इस पे तो सवाल सम्राट भाई आपने भी नहीं उठाया। मैं उठा रहा हूं भाई, जिसे देखेंगे उसे ट्रोल करेंगे ना। भेजो मैं करो करो, आप ट्वीट करो, मैं आपको भेजता हूँ सारी ट्वीट की, ये बीजेपी का नेता था जिसने कराया था, अपॉर्चुनिटी किसने दी। भेजो बिल्कुल, मेरे को मैसेज करो, भेजो मुझे भाई क्या डालना है। पर ये ना पॉलिटिकली करेक्ट होके देना, ऐसा नहीं तुम गाली लिख के दे दो। पॉलिटिकली करेक्ट मैं सीधा एक डालूंगा आपको, सिर्फ इतना ट्वीट होगा कि ऑर्गेनाइजर ऑफ जो इवेंट का था वो बीजेपी का एक नेता था। अब आप इतना बताओ कि क्या इनको भी बराबर क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। पॉलिटिकली करेक्ट है तो कुछ नहीं है, मतलब देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैं गाली क्या दूंगा भाई, मैं देता ही नहीं। एडी भाई आप एल्विस के लिए भी लिखे और उस बीजेपी नेता के लिए भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है दोनों के लिए। हाँ बिल्कुल भेजो ना, लिख दूंगा भाई, मुझे थोड़ी ना वो दिक्कत है कि बीजेपी के लीडर ने करा दिया तो वो दूध का धुला हो गया। नहीं, जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल भाई, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, हम तो किसी को नहीं। इसमें एक मोदी जी वाला जरूर उठ रहा था, उस पर जरूर बताना चाहूंगा भाई, वो प्राइम मिनिस्टर है तो उसे सबसे मिलना पड़ेगा। तो आप मोदी जी को उस पर नहीं कि वो स्टालिन से कैसे मिल लिया, और वो भी शायद पुराना फोटो था। तो फिर प्राइम मिनिस्टर और लोकल, नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर और एक इन्फ्लुएंसर में डिफरेंस क्यों होना चाहिए? एज ए ह्यूमन, एक मिनट यार, ये ना मैं भीड़ भड़क्के में नहीं बोल पाता हूँ ना, तो अपन एक एक करके बात करें। सम्राट भाई बोल रहे, फिर अपन बात करते हैं। बोलो सम्राट भाई। हाँ आप बोलिए, मैं ही बात करूंगा सर, बोलिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, आप ये अभी एक क्वेश्चन आपने रेस किया कि वो प्राइम मिनिस्टर है और एक इन्फ्लुएंसर है, एज ए ह्यूमन अगर मैं देखू, मेरे लिए तो दोनों ह्यूमन है। तो जब आप लोग एक बंदे को क्रिटिसाइज कर, चलो प्रधानमंत्री तक मैं जाता ही नहीं, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वहां पे 5 लोग हैं, ठीक है, मैं बड़े बड़े नाम भी नहीं ले रहा हूँ, छोटे छोटे नाम ले रहा हूँ, सुरेश रैना हो गया, अक्षय कुमार हो गए जो गुटके का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में सचिन पाजी हो गए, ठीक है, अगर उनकी फोटो मुनव्वर फारूकी के साथ आती है तो लोग नीचे जाके लाइक के बटन दबाते हैं, आप में से दबाते हैं, बहुत सारे लोग दबाते हैं, ठीक है, आपका भी एक क्लिक है मुनव्वर फारूकी के ट्वीट पे, रील पे ना, लाइक है आपका भी, है ना, आपका भी एक लाइक है, ठीक है, तो आप लोग उस पे लाइक के बटन दबाते हो। लेकिन जब एलविश यादव का एक फोटो आ जाता है, और वो भी 3 इंसिडेंट्स है, मैं गिन के बताता हूँ, 3 इंसिडेंट्स जो पूजा मैम बोल रहे ना, फोटो इग्नोर कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उन 3 इंसिडेंट्स को आप जाके अच्छे से एनालिसिस करोगे ना, आपको समझ में आएगा उन 3 इंसिडेंट्स में उसे ट्रोल किया गया, उसे ट्रोल किया। एक जहां पे उसने बोला है 1992 में तो मैं पैदा हुआ था, जहां पे उसने अल्टीमेटली उनको ट्रोल किया था बाबरी मस्जिद से टैग करके। दूसरा इंसिडेंट जहां पर वो बोल रहा था कि यार यहां पर तो मेरे को छोड़ दे, बोले हाँ तुझे लगा ना कि यहां पर भी तू मेरे से वोटिंग में नहीं जीत सकता, ठीक। और तीसरा जब उसने छक्का मारा था पहली गेंद पे, उसको बैट दिखाया था ना, तो आउट करने के बाद में उन्होंने वही चीज उसको बोला, चल आउट कर दिया तेरे। ये 3 इंसिडेंट्स थे जहां पे वो टकरा है। उसके अलावा चौथा इंसिडेंट बताओ जो आप लोग बोल रहे हो इतनी देर से कि वो उसके साथ गला इग्नोर कर सकता था, ये कर। और भाई सबसे बड़ी बात, एज ए क्रिकेटर मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं, एक सेकंड पूजा, एक सेकंड मैं आगे। हां, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी, एक मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे मैं बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ ना, मैं वहां पे जाके ये नहीं कर सकता हूँ कि तेरी माँ की तेरी बहन की ऐसे करके किसी को इग्नोर कर दूं या किसी को छोड़ दूं। मेरा मोटिव है उस इवेंट में पार्टिसिपेशन करना। हाँ अगर ये बात मुझे कोई बोलता कि मैच से बाहर निकल के कोई किसी के गले मिला, आई विल स्टूड बाय यू गाइस, मैं आप लोगों के साथ खड़ा होता। लेकिन अगर आप मेरे को ये बोलो कि उस ग्राउंड में आपने ऐसा कर दिया तो वो गलत है, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। हाँ अगर आप ये मुझे बोलते कि बाहर आके फॉलो कर लिया किसी को या बाहर आके गले मिल लिए किसी से, तो आई ऑलवेज स्टूड बाय यू, नॉट बाय समबडी जी। मैं आपकी बहुत, मतलब बहुत प्रेम भी करता हूँ आपसे, मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर और एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर एक नहीं हो सकते। मैंने टॉपिक ही बदल दिया ना, प्राइम मिनिस्टर से नीचे आ गया, क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपने जो सवाल उठाया था कि क्या कहते हैं कि किसी भी तरीके का ऐसा मूवमेंट नहीं दिखा, मैं तो उस पर कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, ठीक है, कि कौन सही कौन गलत।
लेकिन एक कॉमन सी बात है कि एल्विश को क्रिटिसाइज कौन कर रहा है अभी, मतलब आपके हिसाब से कौन कर रहा है या उसके खिलाफ ट्रेंड कौन चला रहा है? रैंडम से मैं उसके सपोर्टर ही है ना एक टाइम पे, बिल्कुल थे ना। हाँ, तो पॉइंट यही है कि उसके सपोर्टर नाराज हैं, उसके हेटर सपोर्टर नाराज नहीं है। सपोर्टर नाराज ऐसे नहीं होते सम्राट भाई, मैंने कौन से 8 लाख रुपए ले लिए, उन्होंने मेरे को क्यों ट्रोल करा? शुड आई से समथिंग टू एनीबॉडी? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ तो वो मैं बता रहा हूँ ना, तो इट क्लियरली ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट, इट इज नॉट बिटवीन समथिंग एल्स। आप समझो मेरी बात, यहाँ पे गुस्सा उसका नहीं है कि उसने किसी के साथ जाके हक कर लिया है, किसी के साथ फोटो खींचा ली, यहाँ पे ईगो ये है कि उसने मेरे से सॉरी नहीं मांगी भाई, तो मैं करूंगा। एक चीज और क्लियर करूंगा, जैसे आपने वो पोस्ट वाली बात उठाई और कुछ बहनों ने भी वो पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने मुनावर की पोस्ट लाइक कर दी थी और मैं जाके डिसलाइक भी कर आया, मतलब मैंने कोई इंटेंशनली, और मैं भी इंटेंशनली नहीं बोल रहा दादा, वो तो फ्लो फ्लो में निकल गया। अगर मेरे को ऐसा कुछ इश्यू होता तो मैं आपकी स्पेस में भी नहीं आता, ये आप भी जानते हो मेरे को बहुत अच्छे, जानता हूं। लेकिन अब सीरीज ऑफ इवेंट अगर मैं जोड़ने बैठ जाऊं तो बहुत सारे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो जैसे अमन ने ब्लॉग देखा है, ब्लॉग में रियाज बैठा था पीछे, रियाज कौन है? वो ही ना जो टीम 07 के साथ कोलेबरेशन करता रहता है। टीम 07 कौन है जो कहती है कल को मुसलमान आतंकवादी बन जाए तो ऐसा मत कहना, उनके स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है। अगर ब्लॉग में बना रहा हूँ पीछे आके सम्राट भाई बन जाए बैठ जाए तो लोग मेरे को ये थोड़ी बोलेंगे कि सम्राट भाई को पीछे बिठा के तूने ब्लॉग बना लिया। वही 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 नहीं, ये लॉजिकल बातें हो जाएंगी अगर मैं ऐसे ढूंढने बैठ जाऊंगा तो भाई, तो मैं भी बोल रहा हूँ ना दादा, आप अगर हर जगह गलत चीज ढूंढने बैठोगे तो 5660 गलत चीजें निकलेगी, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली उन चीजों को समझ के आप एक दूसरे के साथ में समझोगे। चलो मैं मान लेता हूँ कि चलो समझ कर लेना किसी को बुरा लग गया, मैं मान लेता हूँ एग्रीड कि किसी को बुरा लग गया, तो आप तो इतने क्लोज थे कि आपके पास वो नंबर भी था, आप नंबर पे बात कर लेते, आपको ट्विटर पे सॉरी बुलवाने की क्या जरूरत थी? मेरे को एक आंसर दे दो। ये आंसर ना भाई दूसरे लोग देंगे भाई, दो भाई जो डिफेंड कर रहे हो भाई, थोड़ा मजा तो लाओ थोड़ा स्पेस में। केशु भाई तुम डिफेंड कर रहे हो तो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर अब अंकित भाई तो चले गए बीजेपी के, नहीं तो मैं बीजेपी को भी लगता है। मैंने एक ट्वीट शेयर किया है, मैं यही हूं यार, मैं नहीं जाता कहीं पर, स्पेस में वो देखता कितने प्यार से फोटो खिंचाई जा रही है, कितने प्यार से। अच्छा एक मिनट, आई एम सो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ मुनव्वर के कुछ फैंस हैं जिनने मुझे पोस्ट में टैग किया कि देखो मुनव्वर ने रामनवमी विश करी है, तो भाई मेरे मुंह से गाली मत निकलवाओ, मैं यहाँ पे 4000 लोगों के बीच में उनको गाली नहीं देना चाहता। तो उनने राम जी के बारे में जो बोला उसके बाद रामनवमी विश कर दी, तो बहुत बड़ा एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, ठीक है? और वो कोई बहुत बड़े ये नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है कि उनकी सारी चीजें कंसिडर करी जाएंगी। उनने जो किया था वो बहुत ही बड़ा अपराध था, और भारत में अपराध के लिए वैसे ही लोग बच जाते हैं, तो ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत है नहीं मुझे। मुझे ऐसा मत करो, मजबूर मत करो कि मैं वो क्लिप्स निकाल के डालना शुरू करूं कि देखो मुनव्वर ने क्या बोला, वो 2-3 साल पुरानी बात है, उसको जाने दो, ठीक है? और जो तुम पोस्ट शेयर कर रहे हो वो भी 2-3 साल पुराना ही है, ठीक है? तुम मत करो ये सब, तुम गंवार हो ये पता है मुझे, लेकिन उसका परिचय मत दो हर जगह। पूजा जी जो आप जो ऊपर ट्वीट शेयर कर रहे हो ना, मैं आपको अगर किसी कांग्रेस के बहुत बड़े शो में अगर आपको इनवाइट किया जाएगा ना, तो आप सबके साथ फोटो खिंचाओगे, जहां पर बड़े मोदी जी भी होंगे या बीजेपी के बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन वहां पे अगर राघा भी खड़े होंगे ना तो खिंचाएंगे लोग। अरे दादा ये सब बोलने की बातें हैं, आप भी यहीं पर हो, मैं भी यहीं पर हूं, मैं देख लूंगा किसी दिन आप लोगों को भी मैं फोटो खींच खींच के बता दूंगा, जैसे अभी कई लोग बोल रहे गलती से क्लिक हो जाता है, वैसे आप भी बोलोगे यार वो गलती से फोटो खींचा, तो प्लीज ऐसे ये आर्ग्यूमेंट में तो मेरे को, मैं तो ऑफिशियली प्रैक्टिकली, एक मिनट, मैं तो प्रैक्टिकली बात करता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिकली मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, अगर आपको लगता है अच्छा एक क्वेश्चन का प्रैक्टिकली बिल्कुल प्रैक्टिकली आंसर दिया नहीं कि बिल्कुल मैं भी नहीं। अरे सर देखते सर देख लेंगे सर, मैं भी यही हूँ सर, मैं भी ट्विटर पे हूँ, डोंट वरी। दोस्ती हो, मैं वो कह रहा हूँ दोस्ती हो सकती है, मेरी भी है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को कोई बोलेगा कि उनके पार्टी में जाना है और ये सब है तो मैं नहीं जाऊंगा। ये आपने एग्जांपल गलत दिया, छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, छोटा सा एग्जांपल पंडित भाई, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एल्विश मिलेगा, मैं एल्विश के साथ फोटो खिंचाऊंगा और उसको सोशल मीडिया पे प्राउडली पोस्ट करूंगा कि मेरा भाई है, मुझे मुनव्वर मिलेगा, मैं नहीं खिंचाऊंगा। बहुत अच्छी बात है सर, तो यही मैं चाह रहा हूँ, तो यही प्रॉब्लम कल मेरे को समझ में नहीं आ रही थी ना, कि जो अपने वाले लोग जो ट्वीट कर रहे थे, जो ट्रोल कर रहे थे, अरे सबके पास में नंबर था, एक बार उससे बात करके एक बार क्लोज तो करते। मुझे वही समझ में नहीं आया, वाइट कम्स ऑन ट्विटर ओनली, कि मैं ट्विटर पे आके माफी क्यों मांगे वो आदमी, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई अंकित भाई और किशु भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज पर्सनल, यहाँ पे नहीं है
ट्विटर का इशू है पूरी दुनिया का, मतलब जितने जितने लोग देख रहे हैं, जितने उसके फैंस हैं जो हर्ट हुए उनका सबका इशू है। अकेले पर्सनल व्हाट्सएप चैट में माफी मांगे क्या होगा भाई? देखो सम्राट भाई, अब थोड़ा बेटर करके भेज दिया मैंने, देखना एक बारी भाई। एक दो साल से पीआर टीम आ गई है ना भाई। भाई मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो एल्विस के दो तरह के फैंस थे, एक मेरी तरह जो न्यूट्रल थे, एक पंडित भाई और एडी भाई की तरह जो अंधे थे। तो जो न्यूट्रल अंधा मत कहो, अंकित भाई अंधा मत कहो, अंधा नहीं भाई, आप देख रहे हो, आप अगर बीजेपी की 24 घंटे तारीफ करो तो आप अंधे हैं। अबे तो मैंने नहीं, नहीं बुरा बुरा लगेगा यार, आप किसी को अंधा कह रहे हो यार। हम तो एल्विस को क्रिटिसाइज भी करते जब उसने जब जब जरूरत पड़ती तब क्रिटिसाइज भी करते हैं। ये मत कहो अंधा, अंधे हो सकते हो। अरे आपने मुझे क्या काउंट किया यार? देखो काउंटर की बात नहीं होती अंकित भाई, जब जवाब नहीं होता ना तो आप सामने वाले को अंधा ये वर्ड यूज करने लग जाते हो। एक मिनट सुन लो, एक सेकंड अंकित भाई, म्यूट नहीं कर रहा मैं किसी को। वेल प्लीज मेरी बात सुन लो एडी भाई, तुम्हारा जस्टिफाइड हो गया, मैंने ट्वीट कर दिया बीजेपी लीडर को टैग करके जो भेजा था आपने। बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई, मेरे को चाहिए था, आपसे चाहिए था भाई। आप एक बड़े हैंडल हो, आपसे अगर ट्वीट आता है मेरे को अच्छा लगता है। नहीं नहीं बिल्कुल, आपसे उम्मीदें हैं कि आप स्टैंड लोगे। एलविस यादव के लिए भी सम्राट भाई एक ट्वीट करो, एलविस यादव के लिए भी करो सम्राट भाई। भाई देखो क्रिटिसाइज करेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर एलविस यादव को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलेगा मेरे को कोई भी इशू नहीं है, ना बैठे हुए एलविस आर्मी को दिक्कत होगी। ये मत बोलो, आते ही भाई ने खुद बोला था कि क्रिटिसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम अंधे नहीं है ना, अंधे नहीं है किसी की तरह जो यहाँ बैठे जो ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं भाई। एडी देखो ना अंकित भाई, ऐसा नहीं, प्लीज प्लीज एक सेकंड पंडित जी। हाँ दादा, अब आपने अभी माइक पे बोला था ना कि कुछ लोग गलती से लाइक कर देते हैं। हाँ मैंने लाइक की थी, वो किसकी पोस्ट? अरे आप हर बार आप पे क्यों जा रहे हो यार? आपको मैं डायरेक्ट बोलूंगा सम्राट भाई, आपको डायरेक्ट बोलूंगा, मेरे को आपसे आपसे अलग प्यार है। डाउट क्लियर कर रहा हूँ, किसकी पोस्ट थी, किसने डाली थी पोस्ट, किसने डाली थी वो, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अब जिसने भी डाली, मैंने तो भाई वो फोटो पे लाइक देखा आपका, मैंने बोल दिया। ये कौन है भाई? मैं ना जानता किसी को। एल्विस मिला था जिससे बिग बॉस के बाद। ये कौन है भाई? हम तो मैंने तो नहीं देखा उनका कोई फोटो उसके साथ। ठीक है यही क्लियर कर रहा था भाई, साहिल का दोस्त। हाँ तो कोई भी क्लियर करो, मेरा सिंपल फंडा फोटो पे है तो ऐसे। तो फिर भाई की जो फोटो उन्होंने रील पे शेयर करी वो भी किसने डाली थी? नहीं नहीं मैं ये बता रहा हूँ साहिल का दोस्त। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई की जो फोटो किसी ने डाली थी वो किसने डाली थी? कौन सी फोटो? राघव ने, वो जो भाई की फोटो डाली, भाई की किसी ने मैम कह रही थी ना पूजा मैम के, रील शेयर कर दी थी, वो फोटो किसने पेस्ट करी थी? स्टोरी स्टोरी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, स्टोरी डाली थी ना किसी ने? बिल्कुल डाली थी राघव। किसने डाली थी मैडम? एलविस ने डाली थी क्या? शेयर की थी उसने, रीशेयर। तो मैडम भाई तो बात हो गई ना, वही तो बात हो गई ना कि भाई वही बात है कि हम भी उसकी फोटो शेयर कर रहे हैं जो सब लोगों के साथ कनेक्टेड है। हमारे को थोड़ी मालूम थी किसकी उसने किस किस की फोटो डाला, हमने तो लगा राघव की फोटो हमने शेयर कर दी। एलविस की? अरे तो हम मनोहर के साथ में भाई वो, पर राघव के फोटो तो राघव ने डाली ना, तो उसने शेयर क्यों की अपने प्रोफाइल पे? तो भाई तो मैं भी बोल रहा हूँ, सम्राट भाई का जवाब दे रहा हूँ, सम्राट भाई बोल रहे किसी और की फोटो थी मैंने लाइक कर दी, तो वही चीज हम भी बोल रहे कि किसी और की शेयर रील थी हमने शेयर कर दी, तो इसमें दो फेवरेट क्यों हो गए? सम्राट भाई को कोई कमेंट नहीं कर रहा है, एलविस को कमेंट कर रहे हो आप, तो कंसर्न तो दोनों के सेम है। कैसे मैं समझा नहीं भाई, एक और बार भाई आपको किसी भाई, आपने डायरेक्ट रुको यार रुको, कहीं बुरा ना लग जाए कि जिसने भी अंधा बोला था पहले तो भाई वो खुद अंधा और अंकित भाई ने नहीं बोला, तो अंकित भाई हमें माफ कर दो। खुश भाई माफ कर दो, मैंने भाई मुझे कुछ बोलना था। हाँ बोलो भाई। मैंने 34-35 मिनट का जो स्पेस हुआ था अभी तक का, जो भी जितने भी देर से मैं आया हूँ, मैं एकदम फैक्ट्स पे बात कर रहा था। अचानक बीच में एक लाइन आई थी, किसी ने बोला कि मैक्सटन वाला मैटर, तो एडी भाई ने बोला कि यार वो मार इसलिए खाया क्योंकि वो 5-6 महीने से कुछ तो कर रहा था पोक वोक, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद मेरे दिमाग में ये वर्ड आया अंधा वाला, तब मैंने जाकर के बोला। भाई मैंने बोला था कि मैं बात करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बट मैंने कहा अभी बाद में करेंगे, मैं एक मुद्दे के बीच में दूसरा मुद्दा ले लूं फिर तीसरा ले लूं, तो केशु भाई फिर अंधे वाली। मैं कह रहा कि सर 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 मेरी बात सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि मैं आज एल्विस का सपोर्टर हूं, ठीक है, और कल को मैं एल्विस को टैग करके लिख दूं भाई आपने ये गलत कर दिया मुनव्वर को ऐसे करके, और एल्विस पहुंचे और मुझे 4-5 थप्पड़ मार दे, तो जस्टिफाई कर दो। आपने एल्विस को कभी ऐसे देखा है कि वो पहुंच गया और मारने लग जाएगा?
कल क्या हुआ? एक सेकंड सूरज भाई, आपने कभी देखा उसको कि वो चला गया, आपने टैग मारा और वो चला गया और जाके मारने लगा? केशव आपको क्या बोला? चलो अभी, चलो आप केशव अभी ट्वीट डालो, आज ट्वीट डालो, आज देखते हैं अलविन भाई आपको मारने आते हैं नहीं आते। चलो लेट्स चेक। फिर से आपको एक रिमाइंड, नहीं छोड़ो ना केशव भाई, बातें घुमाओ ना, आप ट्वीट डालो, आपने कहा ना आप डालोगे, आप ट्वीट डालो और अब देखते हैं अलविन भाई आपको मारेंगे नहीं। सुनो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगा भाई, भाई मैं तो टेस्ट ले रहा हूं भाई, क्या देखते हैं होता नहीं होता, आज पता चल जाएगा। सुनो सुनो मैं कह रहा भाई, फिर से आपको एक रिमाइंडर देता हूं कि 24 घंटे मैं नहीं देखता एल्विश को, आप देखते होगे, मैं उसको एक सर्कल के तौर पे देखता हूं। आपको किसने कह दिया 24 घंटे देखते हैं? सम्राट भाई डीएम देखो, बस और भी काम है, बट हम अपने भाई को पसंद करते हैं अच्छे तरीके से, और भाई अगर हमें कोई लगती है बात तो हम उस चीज की भाई पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं। अगर भाई मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, छोटी मोटी चीजें ये सिखाई गई है कि हर चीजों को थोड़ा ढंग से पढ़ लो। अगर भाई सुनो, अगर डिग्री पे आओगे तो आप मुझसे बहुत नीचे हो अभी डिग्री में, तो डिग्री की बात नहीं, भाई डिग्री की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट में डिग्री कहाँ से आ गई पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा केशु भाई। आपने बोला ना मैंने कहा खराबी, अगर मैं अपने आपको कह रहा हूँ लॉ को स्टूडेंट बोल रहा हूँ, तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे को अभी कुछ भी नहीं आता, मैं तो जीरो हूँ, मेरे को इतना बोला कि चीजें पढ़ो। मैं कह दूं मैं भी जज का बेटा, मैं कह रहा मैं जज का। अरे तो अच्छी बात है, आप जज के बेटे, भगवान करे आप अगली बारी भाई अगले जन्म में किसी और के बेटे बनो, आप अगली बारी प्राइम मिनिस्टर के बनो। बिल्कुल बनूंगा भाई, बिल्कुल इसमें बनूंगा। क्या खराबी है? आप बिनवाद की बहस कर रहे हो, कोई रीजन है नहीं बहस करने का। आपको आपको इस टाइम क्या हो गया ना, आप कह रहे हो ट्वीट डाल दो और मारने चला जाए, मैं कह रहा हूँ आज केशु भाई भरी स्पेस में 5000 बंदों के बीच में ट्वीट डालेंगे, देखते हैं एल्विश भाई ने मारते हैं नहीं मारते। हेलो बताओ भाई कैसे मारेंगे? ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, बीए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो भी तो प्रैक्टिकल बात करे, सामने वाला भी तो प्रैक्टिकल बात करे। वो उंगलियां उठा रहा है कि ट्वीट डाल दिया, वो मैं बताता हूँ केशु भाई, मैं जवाब देता हूँ क्वेश्चन का, केशु भाई मैं जवाब देता हूँ, सुनो सुनो क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ, बड़े प्यार, मेरे को कोई फर्क नहीं है, जो मारा है तो मारा है भाई, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। देखो क्या होता है ना, आप एक बार पोक कर लो, दो बार पोक कर लो, आप जब 6 महीने तक खेचते रहते हो ना, एक टाइम पे पारा टूटता है इंसान का, आप समझ रहे हो। उनको प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर होती है, जब आप टीम के जैसे हम लोग है, आपको भी मालूम है एल्विश का, अगर आप एल्विश को बहुत अच्छे से जानते हो तो उसका नेचर आपको मालूम होगा, वो अपनी आर्मी को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते, वो अपनी आर्मी को एकदम अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ जहां पे मेरे को किसी ने कुछ बहुत गंदा बोला, दे रीच टू माई हाउस ऑल्सो, अगेन आई एम रिपीटिंग, दे रीच टू माई हाउस ऑल्सो अदर अदर कम्युनिटीज, ठीक है। वो बंदे ने मेरे को इमिजिएटली फोन किया था रात को 2:30 बजे, कौन आए थे नाम बता, एंड ही क्लोज दैट केस इमिजिएटली, ठीक है ना। तो वो बहुत मानते हैं पंडित भाई, तो क्या होता है ना कि मैं सवाल पूछूं, मैं एक सवाल पूछूं आप आंसर करो। आप दोनों का कंसर्न यही था कि किसी स्पेसिफिकली, किसी स्पेसिफिक बंदे ने एल्विस को कॉल करके कंसर्न नहीं जताया माफी के लिए, टीएल पे ट्वीट कर दिया, तो एल्विस ने मैक्सटन को कॉल करके क्यों नहीं बोला कि भाई ये सब क्यों कर रहे हैं? भाई उसने खुद ने आगे बढ़ के कॉल किया है, उसने खुद ने आगे बढ़ के मैक्सटन ने कॉल किया है, जब उन्होंने स्टोरी लगाई कि यार तू इंदौर में दिल्ली में रहता ना, ऐसा कुछ स्टोरी, देन कंसर्न सामने से कॉल आया है, भाई को बोला है मैं गुड़गांव आ रहा हूं आप आ जाओ, उन्होंने बोला ओके मैं आता हूं, तब ये कंसर्न रेज हुआ है। आप क्या समझ रहे हो सर? मैं तो आप तो जैसे बोल रहे हो ना कि 1 मिनट 2 मिनट देखते हो भाई, मैं उनका भाई पहुंचे थे एक सेकंड जब वहां भी एल्विश भाई पहुंचे थे तो मैक्सटन ने तो पहले हाथ बढ़ाया था कि हेलो एल्विश भाई करके, तो वहां भी मुझे लगता है बात तो भाई वो बंदा शुरू से चीजें भी तो वही लिख रहा है भाई। एक काम कर, ऊपर लगाई थी मैंने, सुनो सुनो 5 मिलियन इंप्रेशन लेना, एक काम कर किसी ट्रेंडिंग में चलते हुए आदमी को पोक कर दे पंडित जी, नाइकी के जूते मांग लेते हूं मैं। अरे सुनो तो उसके बाद में ऐसी तो चीजें करता है वो आदमी, तो एक बात बताओ बंदा इरिटेट नहीं होगा क्या? बात मेरी भी सुन लो, एक मिनट में एक टाइम पे एक कोई जवाब दे पाऊंगा ना, एक मिनट में आगे से भाई से बात कर लूं, मेरी एक ही सेकंड की बात। अरे मैंने ऊपर ऊपर ट्वीट लगाया था जहां वो बड़े देर से बोले जा रहा था, और भी है, और भी लगा सकता हूं इफ यू वांट। अरे एक बात पोकिंग किसे कहते हैं, मतलब कोई बंदा मार खाने गुड़गांव जा रहा है, बताओ मेरे को मारो आओ, एक ही लाइन की बात है। देखो भाई वो तो बात करने गया था, मेरे हिसाब से मार खाने नहीं गया था आज भुवन से, मेरी तो सुनो। हाँ तो दादा जो बात करने जाता है ना, वो 3-3 जगह कैमरे नहीं लगाता है, 2-6 जगह माइक नहीं लगाता, महिलाओं के अधिकारों का हनन है, ये नहीं चलेगा हमारे ऊपर। मतलब उसे पता था कि मैक्सटन को मार पड़ने वाली है, उसने काम ही ऐसा करा। मैं पहले जा रहा हूँ, मैं जाती 4 कैमरे लगा रहा हूँ और मैं अपना माइक लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को मार पड़ेगी, क्योंकि मेरा ऐसा काम है। केशु भाई मैं स्टोरी भी लगा रहा हूँ कि मैं उनसे फोन पे बात कर रहा हूँ, देखो मैंने उनसे फोन पे बात कर ली है, मैं हमको उनको बुला रहा हूँ। अगर ऐसा लग रहा हो ना,
नहीं, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरी कोई सिंपैथी है मैक्सटन के साथ तो बिल्कुल, अरे सर मैं कहां बोल रहा हूं, शुड आई से समथिंग लाइक दैट, आई नेवर से दैट। केशव भाई आप तो बड़े भाई की तरह हो यार, आपसे भी तो क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। नहीं भाई मैं भी तो क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। भाई देखो आप ना, आप इतने प्यार से बातें कर रहे हो ना तो हमको भी मजा आ रहा है। क्या होता है ना, एक होता है गाली गलो छूना, उसके बीच में बात नहीं की जा सकती। आप बड़े अच्छे से कर रहे हो, हमें भी मजा आ रहा है आपके साथ बात, क्योंकि क्या ना ये जो नीचे लोग बैठे ना उनके भी मन में क्लैरिटी आएगी। मैंने आई ऑलवेज सेज इन माई स्पेस में, मेरी स्पेस में हमेशा बोलता हूँ, क्रिटिसिज्म इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। आप क्रिटिसाइज करो, हम आंसर देंगे, हम आंसर नहीं दे पाएंगे तो हम उस चीज को सुधारेंगे। आप मुझे नहीं, सही पंडित भाई आपने मुझे बहुत गलत ले लिया। अरे नहीं दादा, एल्विस की साइड से, भाई भाई सुनो, अगर आप एल्विस की साइड से ना होकर के मुनव्वर की साइड से बात कर रहे होते ना तो मैं भाई भाई करके बात नहीं कर रहा होता, मां कसम खा के बोल रहा हूँ। सेम ईयर भाई, वो तो पता ही है, बिल्कुल बिल्कुल भाई भाई करके। सेम ईयर, सेम ईयर, मैं जाता ही नहीं ऊपर। पंडित जी अभी एक बात का आंसर, मेरी मेरी क्वेश्चन का आंसर दो। सुन लो यार, पूजा जी की बात सुन लो एक बार। हाँ तो जितना मतलब जैसे मुनव्वर से मिलके बाद में एल्विश ने कितना अच्छा बोला था कि भाई मैं तो पॉजिटिविटी का संदेश दे रहा हूँ, मैं लड़ूंगा थोड़ी, मैं तो प्यार से बात करूंगा। मतलब वो पॉजिटिविटी का संदेश वाली बात नहीं बोली थी, उस कमेंट को अगर आप अच्छे से पढ़िए, जाके सुनिए प्लीज, अगर आपको आप है ना उसको जाके अच्छे से सुनेंगे देन यू विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। पूरी बात तो सुनो, कम्प्लीट तो करने दो मेरा क्वेश्चन। तो जब उसने पॉजिटिविटी की जब बात की थी कि भाई चैरिटी के लिए मैं ऐसा, तो मैं क्यों लड़ूं? पॉजिटिविटी की उसने कोई बात नहीं करी है। करी थी पॉजिटिविटी की, उसने कोई बात नहीं करी है। आप जाके देखिए वो आप वो कंटेंट पूरा जाके देखिए, बातें की थी लेकिन वही। अच्छा क्या बात करी थी, पूरी लाइन तो बताना है तो कोट करेगी। अब पूजा जी कोट कर रही है लाइन को, बताओ। वही पॉजिटिविटी मैक्सटन से मिलने के बाद भी तो यार ये बोलते बोलते रहेंगे। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। अरे वीर भाई बोलो ना यार, आप व्हाट्सएप देखो सम्राट भैया। और यार ये मनीषा रानी ने एलिस भाई को अनफॉलो क्यों कर दिया, इसका क्या सीन हुआ? अरे पर्सनल लाड होगा उनका यार, उनको तुमको क्या करना है, उन दोनों का चल रहा है, चल रहा तो। हाँ भाई सुनो, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ वीर भाई, ये सोर्स आपका है कौन जो ये सब बता रहा है आपको कि उसने उस... क्या भाई वो पूछ रहा, सोर्स कौन था भाई तुम्हारा? सोर्स मैं हूँ भाई, खुद ही। अरे धीरज भाई बचाने गए थे भाई, मार नहीं रहे थे जो तुम बताया, भेजो ना वीर, जेनुइनली बचाने गए थे, मुझे पता है ना पूरा। ये मरवाएगा ये भाई मनीषा भाई, अगर सम्राट भाई आप शैंकी को ऊपर ले पाओ तो प्लीज प्लीज। हाँ भाई सॉरी, पर थोड़ा सा टॉपिक था इसलिए डिस्कस कर लो। अरे उन्होंने झंडा लगाया, वो नाम क्या है, शैंकी अंडरस्कोर एक्स, बड़ी देर से मैसेज कर रहे हैं। हेलो पंडित जी, पंडित जी भाई कोई पूछ रहा था। हाँ जी हाँ जी भाई, मुझे कोई डीएम कर रहा है, उसने एक मिनट एक एक सेकंड सॉरी, मैं एक इंटरप्शन कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। मुझे कोई डीएम कर रहा है और उसने मुनव्वर की डीपी लगा रखी है, भाई मत करो। देखो मुझे डीएम करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पीओवी रख रहे हो उसके तरफ से, ठीक है। वो गलत था, मेरे लिए गलत था, गलत है और आगे भी गलत ही रहेगा वो, ठीक है। वैसे भी वो जो उसने गाली गलौज जो करी थी वो तो सबको पता ही था, ठीक है। उसने गाली दी थी, हमारे भगवान को गाली दी, और वो कभी से भी न्यूट्रल नहीं था हिंदुइज्म को लेकर के, हमेशा से वो एक साइड से ही बात करता था और आज भी वो एक साइड। उसको मौका मिलेगा कल को तो फिर से वो बेइज्जत करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो करियर स्टैंड करना है तो बात कर रहा है अभी थोड़ा न्यूट्रल होकर के, लेकिन मत करो ये सब। मुझे मुनव्वर के फैन हमारे सगे बनने क्यों आ रहे हैं अभी, ये नहीं समझ में आ रहा। भाई मैंने कल भी बोला था पृथ्वीराज से लड़ाई हो तो इसका ये मतलब नहीं होता, मोहम्मद गोरी को भाई बना लेंगे, ठीक है। आपको सम्राट भाई मजा आ गया, लेकिन ये चीज प्लीज दूसरों को भी समझाओ प्लीज, क्योंकि वो मुनव्वर वालों के ट्वीट रीशेयर कर रहे हैं बड़े बड़े राजा, उसमें भी वही तो मुनव्वर तो हंस रहा है। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जो डैमेज, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको शायद बुरा लगेगा सुन के लोगों को, आप लोगों को एक बात आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को शायद बुरा लगेगा सुन के, आप लोग पता नहीं सरकाज्म समझ रहे थे या नहीं समझ रहे थे। एल्विस की इमेज को जो भी डैमेज हुआ है उसको मुनव्वर ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, चाहे उसकी स्टोरी देख लो चाहे उसके ट्वीट देख लो। और अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो तो आप अंधे भाई, प्रॉब्लम वही है ना, प्रॉब्लम वही है, हम वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
अपने अब्बा को भी यही कहते तू किसकी औलाद पैदा हो गई। अबे भाई जाओ यार मुगलों की औलाद निकालो इन चूतियों को। केशु भाई प्रॉब्लम वही है हमारा मेरा हम लोग वही कहना चाह रहे थे कि दो लोग जो शुरू से एंड तक साथ में थे जैसे सम्राट भाई ने बोला कि यार फोन नंबर साथ में एक्सचेंज थे खत्म कर सकते थे लेकिन वो जबरदस्ती ट्वीट पर आकर मैं कुछ बोलूं पंडित खींचने का ना वो ज्यादा हो गया। हाँ मैम बोलिए। आप बोल रहे हो कि पर्सनली कॉल करके बता सकते थे ठीक है जब सम्राट भाई ने फुकरा इंसान को एक्सपोज किया था वो डकी भाई वाले मैटर में तब तो बड़ा मजा आ रहा था आप लोगों को कि पब्लिकली करा धरावी के चमड़ा घिसने वाले घुस गए थे क्या स्पेस में एक दो। भाई एक छोटी सी ना एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा क्योंकि ये काफी देर से ना फुकरा का मुद्दा उठा लेते फुकरा के बारे में। अब भाई इन्होंने लाइव स्ट्रीम करी है साथ में डकी के साथ और मुनावर को के लिए खड़ा रहा है भाई यहाँ फुकरा भाई डक्की भाई के साथ लाइव स्ट्रीम में कर रहे हैं बैठे हुए हैं अभी कुछ बातें हो रही है वो वाले मुद्दे पे हमने बोला था कि ये बंदा तो इसको सपोर्ट कर रहा है। नहीं नहीं आपने सपोर्ट करना होता है फोटो खिंचाना होता है ये तो सपोर्ट करने लग गया वो तो फॉलो क्या जब सम्राट भाई ने वो तो फॉलो भी करता है ट्रिगर्ड इंसान तो फॉलो भी करता है उसको तो करता होगा ना मैं कौन सा उसकी सपोर्ट करूं तो, मुझे तो, सुना रहे हो वो तो गाय एग्जांपल दे तो गाय माता को काटने वाले काम करता है उस बंदे को फॉलो। अरे तो मैं तो एग्जांपल दे रही हूं तब तो मजा आ रहा था अब क्यों बोल रहे हो कि फोन पे निपटा लेते तब तो पब्लिकली मजा आ रहा था। अरे क्या मजा आ रहा था उस फैंडम में हम है नहीं तो व्हाई शुड वी इंटरफेयर इन दैट मतलब मैं फुकरा फैंडम में भी नहीं हूं मैं कैसे जानूं कि फोन पे निपटा है फैंडम में हूं नहीं तो व्हाई शुड आई भाई नीचे निशान भाई बैठे हैं ये क्वेश्चन का आंसर निशान भाई देंगे व्हाई शुड वी आंसर बात करो किसी की आवाज नहीं आई भाई मैं मेरा एक सवाल है मैं पूछ लूं फिर मैं चले मैं कह रहा कि भाई ये फैंडम क्या होता है आप लोगों ने जो बना रखा है बता सकता है मुझे आप केशु भाई ने कौन सा फैंडम बना लिया अब मुझे क्या पता उन्होंने कौन सा बनाया है। मैं भाई ने बोला मैं तो, मैं तो शुरुआत से आप लोगों को देखती हुई पंडित जी को सैफ बिरला को एडी आपको किंतु आपका क्वेश्चन है केशु एंटी मत हो केशु तुम्हारा सपोर्टर है मतलब तुम्हारी जो आप अरे नहीं नहीं आप रहने अरे एंटी नहीं हो रही हूँ मैं किसी की एंटी हो ही नहीं मैं कह रहा भाई कि ये फैंडम क्या होता है अभी किसी ने एक बोला कि मैं फैंडम में मैंने केशु की प्रोफाइल चेक नहीं करी वो कौन मतलब कौन है मैं इन लोगों को तो पहले से देखती आ रही हूँ ना ऑफिशियल फैंडम होता है जिनको ऑफिशियल पैसा आता है। अरे रोड पे ट्वीट वाले लोग इग्नोर कर भाई थैंक यू फैंडम से निकाल लिया जाता मेरे को कितना पैसा दिया हुआ यार। पर मेरा एक पॉइंट था मतलब बहुत देर से डिस्कशन सिर्फ एल्विश पे हो रही कोई क्वेश्चन ये क्यों नहीं उठा रहा कि एक मुनावर जैसे बंदे को जिस पे एक्टिव केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी उसके ऊपर धर्म को गाली देने के केसेस है उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल रही है कि वो इतने बड़े लोगों के साथ क्रिकेट मैचेस इवेंट्स कर पा रहा है इस पे कोई सवाल ही क्यों नहीं उठा रहा कि उसको बीजेपी का ही बंदे उसको अपॉर्चुनिटीज क्यों प्रदान कर रहे हैं जिस पार्टी ने ही उसको अंदर करवाया था वही पार्टी उसको अपॉर्चुनिटीज दे रही है। शेंगी भाई आपको पता है इंदौर में उसको किसने अरेस्ट किया था मतलब किसने नहीं मैं जानता हूँ उसको किसने अरेस्ट करवाया था पर फिर अपॉर्चुनिटीज क्यों दे रहे हो वापस उस बंदे को वापस तो लाइमलाइट में ला रहे हो। बीजेपी का मुद्दा है वो और किसी बीजेपी का मुद्दा नहीं है और हम वो महाराष्ट्र बीजेपी में कर भी नहीं सकते कुछ उंगली नहीं क्यों नहीं कर सकते अगर एलविश यादव को ओवरऑल आप सब कुछ कर सकते हो तो बीजेपी के अगेंस्ट भी कर सकते हो ना जहाँ पे आपको गलत क्रिटिसिज्म तो सबको करा तो ट्विटर यार भाई क्रिटिसिज्म तो सबको होना चाहिए ना मेरा सवाल ये है क्रिटिसिज्म एक ही बंदे का क्यों है ये स्पेस के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा मैं बताऊं एलविश का क्यों हो रहा है नहीं आपसे सवाल ही नहीं पूछा मैंने चलो नहीं फिर भी बताना नहीं बता ओवर हो गया ये एलविश फैन जो फैंडम वाला कोई आंसर कर सकता है नहीं पहले मेरे सवाल का तो आंसर दीजिए ना बोल रही थी बातें घुमानी तो आपको बड़ी आसानी चाहती है पर जवाब तो देने दो सम्राट अरे मेरे को क्यों बोल रहे हो किंजल के सवाल पे भी ऊपर से मेरे को अरे पूजा जी आप मेरे बस मेरे अरे आप बीच में बोल रहे हो वेडनेसडे ओवर हो गया पूजा जी 12:30 हो गए खत्म एक सेकंड रेडी पर मेरे सवाल का आंसर तो दे दो अच्छा मतलब और औरतों को सिर्फ एक ही दिन इज्जत दोगे नहीं मेरा क्वेश्चन सिंपल ही था कि एक बंदे को इतनी अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल रही है अरे बीच वकालत के काम में भी इज्जत ही और अच्छा मत नहीं बोला ना 12:30 हो गए ये क्वेश्चन है ना आपका हां इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों दी जा रही है उस बंदे को जब आपको पता है क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से
अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा सकती, और बीजेपी का बंदा क्यों दे रहा है, कांग्रेस का बंदा देगा, चलो चलता भी है कि वो बंदे भी दे रहे हैं, उनका तो काम है, पर बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं? सॉल्यूशन क्या है? आप सॉल्यूशन आप क्या सोचते हैं कि ये मेरा सॉल्यूशन, आप जो अल्पेश यादव के लिए कर रहे थे उस पे आपने सॉल्यूशन पे बात करी कि आपने क्या करा अल्पेश यादव से, मतलब जितने भी लोगों ने ओवरऑल, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, जितने भी लोगों ने ओवरऑल क्या किया, किसी ने सॉल्यूशन पे बात तो करी नहीं, सबने ब्लेम ही करा है, तो फिर ब्लेम सिर्फ अल्पेश यादव को क्यों, ब्लेम फिर बीजेपी की पार्टी को भी होना चाहिए, जब उन्होंने चीजें करी तो फिर एक ही बंदे पे क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। तो भाई वो इजी टारगेट क्या कर रही है, करे ना ब्लेम, हम तो कह रहे हैं हम भी करेंगे, मैंने तो कल भी करा था, करा था, आप लोगों ने, किसी ने भी नहीं करा, जो नहीं स्पेशली वो बंदे जिन्होंने कल कैंपेन रन करा था, भाई बड़े हैंडल खुद जिम्मेदारी लेते नहीं, वो कहते छोटे।